33 मिलियन व्यूज, दो ईयर पहले 8.8 मिलियन व्यूज, तीन ईयर पहले 8.7 मिलियन, फोर ईयर पहले 5.6 मिलियन, टू ईयर पहले 5.4 मिलियन, टू ईयर पहले 4.8 मिलियन, थ्री ईयर पहले 3 मिलियन, टू मतलब मिलियंस, इतने मिलियंस में वीडियोस गए हैं, इतने मिलियंस में वीडियोस गए हैं। यहाँ पे 11 घंटे पहले 112 व्यूज, 12 घंटे पहले 336 व्यूज, 23 घंटे पहले 72। दोस्तों अगर आज की डेट में आप YouTube पे काम कर रहे हैं तो एक बात अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बैठा लीजिए, अगर आज आपके वीडियो पे 10, 20, 50, 100 व्यूज जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि कल भी आपके वीडियो पे 10, 20, 50 व्यूज ही जाएंगे। हो सकता है कि कल आपके वीडियो पे लाखों में व्यूज जाने लगे। और एक बात और याद रखिएगा कि अगर आपके वीडियोस पे आज लाखों में व्यूज जा रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हमेशा आपके वीडियोस पे लाखों में ही व्यूज जाएंगे। हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपके वीडियो पे वापस से 100-200 व्यूज आने लगे। और इस चीज का लाइव प्रूफ मैं आपको दिखाने वाला हूं। और ये क्यों होता है कि आपके चैनल पे लाखों व्यूज जाने के बाद भी आपका चैनल डेड हो जाता है, वापस से 100-200 व्यूज जाने लगते हैं, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिससे कि आपका चैनल ग्रो होके वापस से डेड हो जाता है, और आपको वो गलती कभी भी अपने यूट्यूब करियर में नहीं करनी है, नहीं तो आपका यूट्यूब चैनल बर्बाद हो जाएगा पूरी तरीके से। यहाँ पे लाइव प्रूफ के साथ देखिए, मैं आपको लाइव प्रूफ यहाँ पे दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमारे एक सब्सक्राइबर का चैनल जिस पे बहुत ज्यादा व्यूज आते थे अब बिल्कुल व्यूज खत्म हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए, ये इनका चैनल है नरेंद्र सिंह के नाम से, ये हमारे रिसेंटली सब्सक्राइबर है। हमारे चैनल को कौन लोग सब्सक्राइब करते हैं वो भी हम देखते हैं और अपने सब्सक्राइबर का पूरा ख्याल रखते हैं, और जो लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं एक एक करके जितना हो पाता है उनके चैनल को हम चेक करते हैं। अब इनका जो चैनल है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नरेंद्र सिंह के नाम से है, 5,56,000 सब्सक्राइबर इनके चैनल पे हैं। वीडियोस कितने हैं, 4.4K, 4400 वीडियो। सोचिए कि 4400 वीडियोस अपलोड करने में कितना टाइम लगता है। यहाँ पे इनका चैनल देखिए, इनका चैनल जो है 2017 में बना हुआ है, देख सकते हैं। व्यूज की बात करें तो व्यूज इतने हैं 217 मिलियन, जो कि बहुत ज़्यादा व्यूज होते हैं। और अगर आप इनके पुराने वीडियोस को देखें, अभी इनके वीडियोस रिसेंटली जो अपलोड हुए हैं पहले उनको देखिए, यहाँ पे 11 घंटे पहले 112 व्यूज, 12 घंटे पहले 336 व्यूज, 23 घंटे पहले 72, एक दिन पहले 200, मतलब जैसे नए चैनल पे व्यूज जाते हैं ना वैसे अभी इनके रिसेंट वीडियोज पे व्यूज जा रहे हैं। अब मैं इनके वो वीडियोस दिखाता हूँ जो इनके चैनल पे वायरल हुए हैं, पॉपुलर वीडियोस में आ गए। ये देखिए, 4 साल पहले 33 मिलियन व्यूज, दो ईयर पहले 8.8 मिलियन व्यूज, तीन ईयर पहले 8.7 मिलियन, फोर ईयर पहले 5.6 मिलियन, टू ईयर पहले 5.4 मिलियन, टू ईयर पहले 4.8 मिलियन, थ्री ईयर पहले 3 मिलियन, टू मतलब मिलियंस, इतने मिलियंस में वीडियोस गए हैं, इतने मिलियंस में वीडियोस गए हैं। आप गिन सकते हैं कि कम से कम इनके 50 वीडियो मिलियन में गए होंगे, देख सकते हैं 50 से ज़्यादा वीडियोस इनके जो हैं यहाँ पे सिर्फ मिलियन है, सिर्फ मिलियन, सिर्फ मिलियन, देख सकते हैं कितने सारे वीडियोस इनके जो है मिलियन में गए हैं, लाखों में, करोड़ों में इनके जो है सो व्यूज गए हैं। लेकिन आज की डेट में इनके वीडियोस को देखा जाए तो यहाँ पे आप 112 व्यूज, 336 व्यूज, 72 व्यूज। अब दोस्तों आप सोचिए कि किसी इंसान को कैसा लगता होगा जब इतने ऊंचाई पे जाके इंसान एकदम नीचे आ गया हो, एकदम जैसे लग रहा है कि नया चैनल इन्होंने बनाया है, नए चैनल पे भी इससे ज़्यादा व्यूज जाते हैं, तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? आपके मन में ये सवाल आता होगा कि सर आप बताइए, आप 5-6 सालों से काम कर रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों इनके चैनल पे इतने ज़्यादा व्यूज जाने के बाद, इतनी सारे वीडियोज़ वायरल होने के बाद इनका चैनल डायरेक्टली जीरो पे आ गया और इतने कम व्यूज आने लगे, क्या कारण है इसका? तो दोस्तों नरेंद्र सिंह जी अगर मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि इंसान को समय के साथ बदलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जरूरी नहीं है कि आज आप जो कपड़े पहन रहे हैं 2 साल के बाद आप वही कपड़े पहने। अगर आप आज जो कपड़े पहन रहे हैं 2-4-5 सालों के बाद जब जनरेशन चेंज हो जाती है, स्टाइल चेंज हो जाता है और आप पुराने जमाने के कपड़े पहनते हैं तो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, लोग आपको नज़रअंदाज करते हैं, लोग कहते हैं पुराने जमाने का इंसान है, पुराने जमाने में लोग धोती कुर्ते पहनते थे लेकिन आज की डेट में
लोग जो है जींस टी शर्ट पहनते हैं, हो सकता है आने वाले टाइम में और भी कुछ स्टाइल आ जाए जो वो पहने। तो इंसान को समय के साथ अपना स्टाइल चेंज करना पड़ता है, अपना जीवन चेंज करना पड़ता है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, मैं आपको क्या कहना चाहता हूं। आपने 4 साल पहले जो वीडियोस अपलोड की हैं, वही वीडियोस, उसी टाइप की वीडियोस आज भी आप अपलोड कर रहे हैं। तो कहां से लोग देखेंगे? जरूरी नहीं है कि लोग जो चीजें आज पसंद कर रहे हैं कल भी वही पसंद करें। लोगों को हर वक्त कुछ नया चाहिए होता है, कुछ इंटरेस्टिंग चाहिए होता है। आज की डेट में लोग बहुत जल्दी किसी चीज से बोर हो जाते हैं। तो आपको समय के साथ अपने चैनल का कंटेंट चेंज करना भी काफी जरूरी होता है। जरूरी नहीं कि आज आपके वीडियो पे लाखों व्यूज जा रहे हैं तो आपके वीडियो पे हमेशा लाखों व्यूज जाएंगे। अगर आप समय के साथ अपडेट नहीं होंगे, अगर आप समय के साथ अपने कंटेंट को इंटरेस्टिंग नहीं बनाएंगे, अच्छा नहीं बनाएंगे, तो धीरे धीरे आपकी व्यूअरशिप कम हो जाएगी। लोग आपको पसंद करना कम कर देंगे, आपके कंटेंट को पसंद करना कम कर देंगे और आप बर्बाद हो जाएंगे, आपका चैनल बिल्कुल डेड हो जाएगा। और ये उन लोगों के लिए भी मैं कह रहा हूँ जिनका चैनल अभी अच्छा खासा चल रहा है, जो अपने चैनल से अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ दिनों बाद उनका चैनल डाउन हो जाए, व्यूज नहीं आए, कोई उनके वीडियो को पसंद ना करे। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब इतना बड़ा चैनल जिसपे कि मिलियंस की भरमार है, 33 मिलियन, 8 मिलियन, 8 मिलियन, 5 मिलियन, 4 मिलियन, 2 मिलियन, मतलब कि 50 से भी ज़्यादा वीडियोज मिलियन में गई हैं, उनका यह बुरा हाल है आज की डेट में, तो किस चैनल की क्या गारंटी है आप मुझे बताओ। लेकिन जिनके चैनल को मैंने अच्छे तरीके से चेक किया, सब कुछ देखा, तो मुझे एक ही कमी नजर आई कि ये कल जैसे वीडियोस अपलोड करते थे आज भी वो वैसे ही वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। इन्होंने समय के साथ अपने कंटेंट को नहीं बदला। जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, जो चीजें इनसे आगे, जो वीडियोज आ गई, जो नई तरीके की वीडियो आ गई, वो लोगों ने देखना शुरू कर दिया। अब मान लीजिए 4 दुकान है मार्केट में और मैं जो है हर रोज नए नए सामान ला रहा हूँ अपने दुकान में, और मेरे बगल वाला दुकान वाला जो है वो पुराने ही सामान बेच रहा है, कल जो बेचता था वो भी आज बेच रहा है, जबकि नए सामान की डिमांड ज़्यादा होती है, नए सामान को लोग ज़्यादा लेना पसंद करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि मेरा दुकान ज़्यादा चलेगा उसके दुकान के मुकाबले। तो समय के साथ अपडेट होना, अपने कंटेंट को अपडेट करना बहुत जरूरी है। अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो इस बात को आप दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर आपका चैनल आज चल रहा है तो कल आपको और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें लाते रहनी होगी, तभी आपकी ऑडियंस आपके चैनल पर रुकेगी, ठहरेगी और आपके चैनल को, कंटेंट को पसंद करेगी। तो अगर इस वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई हो तो बस एक लाइक कीजिएगा, रिक्वेस्ट करता हूँ, शेयर कीजिएगा वीडियो को और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं अपने सब्सक्राइबर का चैनल चेक करने के लिए। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिल से।